हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है जी। तुसी देख रहे हो तो अपना खबरी डाकिया। दोस्तों एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं इस समय दियां कुछ होर बड़ियां अते खास अपडेट्स लेके। तां फिर दोस्तों सब तो पहला गल कर लेने हैं जी पंजाब दे पुत्र धर्म भाजी दी, जानी के धर्मेंद्र दी। दोस्तों वैसे तो धर्म भाजी नूं सारा ही पंजाब बहुत ज्यादा प्यार करता है अते शुरू तो ही उन्होंने पंजाब दे विचों प्यार अते सिर्फ प्यार मिलता रहा है। पर दोस्तों धर्म भाजी के बड़े मुंडे जानी के सनी देओल ने धर्म भाजी की बनी बनाई इज्जत लगता है किते ना किते थोड़ी बहुत खराब की है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह पंजाबियों ने दिल खोल के सनी देओल का स्वागत किया सी अते उसनू गुरदासपुर तो MP बनाया सी, पर उसके उल्ट सनी देओल ने पंजाबियों की बिल्कुल भी कोई कदर नहीं की अते किसी भी मामले विच पंजाबियों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के नहीं खड़िया जिस तरह के उसने पहला वादा किया सी। पर दोस्तों उत्थे ही धर्मेंद्र हमेशा तो ही पंजाबियों का बहुत सत्कार करते रहे हैं अते दोस्तों एक बार फिर तो उन्होंने ऐसा ही किया अते उन्होंने ट्विटर के उपरों एक किसानों के हक विच ट्वीट किया सी, जिसनू के दोस्तों किसी मजबूरियां दे चलदे धर्म भाजी नू थोड़ी ही देर तो बाद डिलीट भी करना पै गया सी। सब तो पहला दोस्तों तुहानू धर्म भाजी का वह ट्वीट दिखा दें जिहड़ा कि उन्होंने किसानों के हक विच किया सी अते बाद विच उन्होंने वह ट्वीट डिलीट कर दिता है। दोस्तों धर्मेंद्र ने किसानों के हक विच ट्वीट लिखते हुए कहा कि किसान भाइयों की जो मुश्किलें हैं उनका हल जल्दी से तलाश करें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत दर्द भरा है। दोस्तों जिस तरह के तुसी ने देखा कि धर्मेंद्र ने किसानों के हक विच बहुत बढ़िया ट्वीट किया सी, पर दोस्तों उस तो कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र ने यह ट्वीट अपने अकाउंट के उपरों डिलीट कर दिता। बस फिर की सी, जिस तरह के तुहानू पता है कि अजकल लोग नाल दी नाल स्क्रीनशॉट मार लेंदे हन, इसे तरह धर्मेंद्र के मामले के विच भी होया। धर्मेंद्र ने तो ट्वीट डिलीट कर दिता पर लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट पहला ही ले ले सी। जदों धर्मेंद्र ने यह डिलीट किया तो यह स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। दोस्तों ओल्ड न्यूज़ के मुहम्मद जवेर ने एक ट्वीट करते हुए धर्मेंद्र से निशाना साध्या। दोस्तों मुहम्मद जवेर ने कहा कि पंजाब के आइकन धर्म भाजी ने 13 घंटे पहला एक ट्वीट किया सी, पर उस तो कुछ ही देर बाद उन्होंने यह डिलीट कर दिता। अते दोस्तों अगे मुहम्मद जवेर लिखते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जिस तरह के तुसी ने देखा कि मुहम्मद जवेर ने एक शेर दे राही धर्म भाजी के उपर निशाना साध्या। अते दोस्तों इस तो बाद धर्म भाजी ने अपना दम एक बार फिर दिखाया अते फिर उन्होंने एक ट्वीट किया। दोस्तों धर्म भाजी ने अगे लिखते हुए कहा कि आपके ऐसे ही कमेंट से दुखी होकर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, जी भर के गाली दे लीजिए, आपकी खुशी में खुश हूँ मैं। हाँ अपने किसान भाइयों के लिए बहुत दुखी हूँ, सरकार को जल्दी कोई हल तलाश कर लेना चाहिए, हमारी किसी की कोई भी सुनवाई नहीं। तो दोस्तों तुसी ने देखा कि धर्म भाजी ने एक बार फिर तो हेटरां नूं जवाब देंदे हुए अपना ट्वीट एक बार फिर तो किया अते इस ट्वीट दे विच भी उन्होंने सरकार तो मंग करी कि किसानों का कोई ना कोई हल जरूर करो। दोस्तों एक होर बंदे ने धर्म भाजी नूं ट्वीट करते हुए कहा कि आपने सनी के फोन करने के बाद ही डिलीट किया था ट्वीट, थोड़ी तो हिम्मत रखिए और किसानों के साथ खड़े रहो। दोस्तों इस दे जवाब विच धर्म भाजी ने कहा कि मैं आपकी सोच के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। अते दोस्तों हुण गल कर लेने जी अभिनेत्री कंगना रनौत की। जिस तरह के तुहानू पता है कि कंगना रनौत ने दिलजीत नूं अबातवा बोलिया सी अते पंजाब दे एक माता जी नूं भी कहा सी कि यह 100-100 रुपया लैके धरनियां दे विच शामिल हुंदे हन। दोस्तों कंगना रनौत ने BJP की सपोर्ट करी सी, पर दोस्तों हुण BJP दे अंदरों ही सुर उठन लगे हन कि कंगना रनौत माता महिंद्र कौर जी जिन्हां दे बारे कंगना रनौत ने अपशब्द बोले सी कि उन्हां तो माफ़ी मंगे। दोस्तों BJP दे MP RP सिंह अते पुराने लीडर हन BJP दे, ओह एक TV चैनल की डिबेट दे विच भी कह चुके हन कि कंगना रनौत ने साडी मां दे खिलाफ अपशब्द बोले हन, ओह जल्दी तो जल्दी माफ़ी मंगण। तां दोस्तों इह देखदे आ कि कंगना रनौत नूं हुण जो फटकार पई है BJP दे अंदरों, उस दे उपर कंगना रनौत गौर करदी है अते माता महिंद्र कौर जी तो माफ़ी मंगती है, जा फिर नहीं जा फिर होर अपनी बेशर्मी दिखाते हुए अगे ट्विटर के उपरों अपनी हरकत इसे तरह जारी रखेगी।